दोस्तों, आज की ज़िंदगी में हम लोग के पास सभी कुछ होता है। नौकरी लगने के पाँच साल भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 साल के अंदर ही मैक्सिमम ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास होती हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो या कुछ भी। केवल घर और कार 2 ऐसी चीज़ें जिन्हें शायद आजकल लेने में हमें 5 से 7 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी आज की हमारी लाइफ में एक तरह से देखा जाए तो सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं रहती। अगर हम याद करें तो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में उन्हें बेसिक चीज़ें जैसे कि वॉशिंग मशीन, गैस कनेक्शन, टेलीफोन, इन्हें ही जुटाने में 7 से 8 साल का समय लग जाता था। और घर बनाने की सोचते सोचते तो उन्हें कम से कम 12 से 14 साल नौकरी करते हो जाते थे। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जब हमारे पास सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें पहले इकट्ठा हो जाती हैं, पहले ही मौजूद होती हैं, पेरेंट्स के पास ये देर से आती थी, तो पेरेंट्स के कंपैरिजन में वी शुड बी मोर हैप्पी। बट इज इट ट्रू? क्या ये सच है? और हम सभी जानते हैं इसका एक ही आंसर है, नहीं। हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से हम में से कोई भी ज़्यादा सुखी नहीं है। हम ज़्यादा समृद्ध हैं लेकिन ज़्यादा सुखी डेफिनेटली नहीं है। तो कभी हमने रुक के सोचा है कि ऐसा क्यों है? जिन चीज़ों को इकट्ठा करते हुए मेरे पिताजी रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच गए, वो आज 7 या 8 साल की नौकरी में मेरे पास है, फिर भी मैं उनके जैसा सुखी क्यों नहीं हूँ? इसका शायद जवाब भी हम सभी को पता है, लेकिन हम में से कोई उसे देखना नहीं चाहता है। इसका जवाब ये है कि उनके पास सेटिस्फैक्शन था। और हम आज भी रेस में लगे हुए हैं, हम कमा रहे हैं और कमा रहे हैं, लेकिन क्यों, इसका जवाब नहीं है। केवल एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, करियर में कुछ करना है, इस बात को रिपीट कर करके हम अपनी इस ब्लाइंड रेस को जस्टिफाई करते जाते हैं। और इस कमाई की दौड़ में हम ये नहीं देखते कि पीछे क्या छूटते जा रहा है। परिवार, दोस्त, रिश्ते सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे परिवार पेरेंट्स के पास थी लेकिन हमारे पास नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है वो है परिवार। हमारे पेरेंट्स के समय भले ही घर छोटा होता था लेकिन उसमें घर में रहने वाले कई लोग होते थे, जिसके कारण जो भी खुशियाँ थी वो हम उनके साथ बांट कर सकते थे। आज भले ही घर बड़े हो गए हैं लेकिन उसमें रहने वाले 2 या 3 लोग ही होते हैं, मियाँ, बीवी और बच्चे, जिसके कारण हमारा सोशल कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो उनके पास थी वो थे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। और आज की जनरेशन की अगर बात करें तो हमारे समय में पड़ोसी तो लगभग गायब हो गए हैं। हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता लगभग। और रही बात दोस्तों और रिश्तेदारों की, तो वो केवल नाम के लिए रह गए हैं। आपको ज़रा सी दिक्कत हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि इनमें से किससे मदद मांग सकते हैं आप। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो है मदद करने की नीयत। हमारे पेरेंट्स जो होते थे उनमें एक दूसरे की मदद करने की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की या किसी की मदद करने की जो नीयत थी वो होती थी। भले ही उनके पास पैसा कम था लेकिन उसे शेयर करने की उनमें नीयत थी। आज हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी कोई हमसे बस मदद मांग के तो देखे। हमें अपने सारे खर्चे याद आ जाते हैं, भले ही सामने वाले की प्रॉब्लम कितनी भी जेन्युइन हो, लेकिन हमें लगता है कि इससे हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम उसकी मदद करने से कतराते हैं। और दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संतोष। हमारे माता पिता के पास संतोष था। चीज़ छोटी थी लेकिन उसे मैनेज करना जानते थे, इसलिए उनमें संतोष था जिसके कारण वो खुश थे। आज हमें जितना हम चाहते हैं, फ्रिज छोटा है तो और बड़ा चाहिए, सिंगल डोर है तो डबल डोर चाहिए, कम टन का है तो ज़्यादा टन का एसी चाहिए, 4 स्टार है तो 5 स्टार एसी चाहिए। तो हमारी जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी है, बट उन्हीं में इम्प्रोवाइजिंग जो हमारी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी इम्प्रोवाइजेशन के कारण ना हमें कभी पैसा पूरा पड़ता है और ना ही हम खुश रह पाते हैं। और दोस्तों, लास्ट चीज़ जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी इसलिए वो ज़्यादा खुश थे, वो है स्मार्टफोन्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन्स के आने के बाद हमारे बीच की दूरियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें ये एक चीज़ है जिससे ओवरकम करने के लिए ये डिसाइड करना होगा कि स्मार्टफोन्स का यूज़ कैसे कम से कम किया जाए, बच्चों को इसके एडवर्स इफ़ेक्ट से कैसे बचाया जाए।
और ये एक चीज़ ना होने के कारण हमारे पेरेंट्स, उनके आपसी संबंध अपने दोस्तों से बहुत सब कुछ अच्छे थे। आज हम फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, लेकिन रिश्तों में वो मिठास नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये पांच चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आज भी हम चाहें और अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करने की कोशिश करें तो शायद हम अपने पेरेंट्स के जैसे खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।